नमस्ते। साइनियो के वीडियो लर्निंग सेशन में आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसे फाइल करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए हैं। सो आपको दिखाने के लिए मैं सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी लॉग इन हो चुका हूँ और मेरा जो SSC है उसे ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ITR 1 के लिए क्या क्या चेंजेस एप्लीकेबल है वो ऑलरेडी देख लिए हैं। सो आइए अब हम देखते हैं ITR 2 के लिए। सो जैसे आप सभी को पता है प्रीवियस असेसमेंट ईयर 2017-18 में अगर आपको इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म होता है तो आप प्रीवियस ईयर में ITR 2 आपका रिटर्न फाइल करते थे पार्टनरशिप फर्म इनकम के लिए। करंट ईयर असेसमेंट ईयर के लिए 18-19 के लिए गवर्नमेंट ने अगर आपको इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म है तो आपको ITR रिटर्न फॉर्म 3 फाइल करना मैंडेटरी है, जरूरी है, जो कि आप प्रीवियस ईयर में ITR 2 फाइल करते थे। इसके अलावा आपको अगर कैपिटल गेन से इनकम है और आप कैपिटल गेन में जाते हो, न्यू एंट्री करते हो, यहाँ आपका टाइप ऑफ एसेट अगर शेयर्स नॉट लिस्टेड सिलेक्ट करते हो, यहाँ आपको डायरेक्टली सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है और एक्विजिशन कॉस्ट पूछा है। सो जैसे आप सेलिंग प्राइस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिया है, कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द SSC, समझो यहाँ मैंने 50,000 डाल दिया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर मैंने 1 लाख रुपीज डाला, तो इसमें से जो भी हायर वैल्यू रहेगा वो आपका शेयर्स का सेल वैल्यू करके कंसिडर होगा। सो जैसे मैंने यहाँ हाइड किया तो यहाँ आपका सेल वैल्यू कंसिडर हुआ 1 लाख रुपीज, यहाँ आपका डेट ऑफ एक्विजिशन पूछ रहा है सो यहाँ मैंने 2016 कर दिया, एक्विजिशन वैल्यू डाल दिया 40,000, तो उसके हिसाब से आगे वो आपका कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करेगा। सो ये जो है कैपिटल गेन में चेंजेस हुआ है, इसे मैंने सेव किया डिस्क्रिप्शन ऑफ द एसेट। सेव क्लोज, यहां आपका एज यूजुअल जो भी डिटेल्स है पिकअप होगा, सेव क्लोज। इसके अलावा ITR 2 के लिए जो चेंजेस है वो है जैसे आपका अदर सोर्सेस इनकम, अदर सोर्सेस में आपका ये जो गिफ्ट है सो यहाँ अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है सो यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ प्रीवियसली आप सिर्फ एंट्री करते थे, अब इस ईयर में आपको यहाँ बाइफर्केशन पूछा है, जैसे आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दिया है सो पर्टिकुलर ऑफ गिफ्ट, यहाँ आपको उस गिफ्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो जैसा यहाँ मैं लिखता हूँ, टाइप ऑफ गिफ्ट में आपको चूज करना है, आपको मनी गिफ्ट मिला है, इमूवेबल असेट गिफ्ट मिला है या मूवेबल असेट। सो अभी मैंने फ्लैट लिखा है सो इमूवेबल असेट। यहाँ आपको स्टैम्प वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो आपको देना है। यहाँ आपने अगर गिफ्ट देने वाले को कुछ कंसिडरेशन पेड किया है, जैसे मैं यहाँ 10,000 डालता हूँ तो यहाँ 50,000 आपका अमाउंट हुआ है। यहाँ आप टिक या अनटिक करके डिसाइड कर सकते हो कि ये गिफ्ट का जो वैल्यू है आपको टैक्सेबल करना है या नॉन टैक्सेबल करना है। सो ये एंट्री आप जैसे ही सेव करते हो तो यहाँ आपका जो समरी है ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। सो देखिए इसे मैंने क्लोज किया, फिर से मैं गिफ्ट में गया, यहाँ भी हमने कंसिडरेशन पेड किया है। अब यहाँ आपको अगर कुछ दूसरा अपडेट हुआ, यहाँ आपने टैक्सेबल किया सो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन वैल्यू इधर अपडेट हो गई। यही अगर आप नॉन टैक्सेबल करते हो तो ये वैल्यू जो है समरी कॉलम जो है आपका जीरो हो जाएगा। सो इसे आपको टिक करना है, अनटिक करना है, ये आपके ऊपर डिसाइड है। सो यहाँ मैंने सेव किया, क्लोज किया, सो ये 50,000 वैल्यू जो है
आउटर कॉलम में आ चुकी है। इसके अलावा अदर सोर्सेस में ही और एक चेंज किया है। सो जैसे अदर सोर्सेस, यहाँ आपको अदर सोर्सेस में अदर्स के अंडर सेक्शन 58 और 59 की डेटा एंट्री जो है इनेबल की है। सो यहाँ इनकम अंडर सेक्शन 58 59 पे अगर आपका कुछ इनकम होगा उसे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपका जो भी पर्टिकुलर्स रहेगा आप पर्टिकुलर्स दे दीजिए। यहाँ आपका जो भी इनकम अमाउंट रहेगा, फिर यहाँ टैक्सेबल अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंडर ये टैक्सेबल है ये आपको चूज करना है। फिर यहाँ आप सेव करते हो, क्लोज करते हो। सो इस एंट्री इस तरीके से आउटर कॉलम में आके अपडेट होगी। अब यही जो आपका 58 59 सेक्शन है आपको करंट ईयर में एप्लीकेबल किया है इनकम फ्रॉम ओइंग और मेंटेनिंग रिसोर्सेज के अगेंस्ट। सो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपका डिटेल्स जो भी रहेगा, अर्निंग्स आपका कितना हुआ है, डिडक्शन आपका जो भी रहेगा, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 58 या चार्जेबल अंडर सेक्शन 59 जो भी रहेगा वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। सेव, क्लोज। सो ये अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा। इसका नेट इफेक्ट जो है आपको इनकम डिटेल स्क्रीन के ऊपर अपडेट हुआ दिखाई देगा। सो इस तरीके से ये डिटेल्स जो है अपडेट हो चुके हैं। इसके अलावा आपका जो 58 59 सेक्शन है, इसके अलावा अब आपका अगर कुछ अदर स्पेशल इनकम रहेगा तो यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्पेशल इनकम में आपका 115 बीबीजी जो सेक्शन था वो यहाँ ऐड किया हुआ आपको दिखाई देगा। सो यहाँ 115 बीबीजी सेक्शन हमने चूज़ किया। यहाँ आपका जो भी अमाउंट रहेगा, अमाउंट आपने एंटर किया, ऑटोमेटिकली नेट अर्निंग्स हुआ, टैक्स रेट आ गया, टैक्स अपडेट हो चुका है। फिर इसे आपको सेव करना है। रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके, क्लोज। सो ये जो 115 सेक्शन है आपको अदर स्पेशल इनकम में भी दिया है और यही सेक्शन की एंट्री जो है आपको बिजनेस प्रोफेशन में दी है, जहां बिजनेस प्रोफेशन जो है कॉपी फ्रॉम लास्ट ईयर, यस, ओके। यहां आपका बिजनेस प्रोफेशन का एंट्री, न्यू। यहां एंटर आपका जो भी बिजनेस नेम रहेगा, आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा वो P&L से ऑटोमेटिकली यहाँ पिकअप करेगा। फिर यहाँ आप जब डिटेल्स में जाते हो, न्यू करते हो, तो यहाँ आपको ट्रीटेड सेपरेटली के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ जो आपको ब्लू कलर का लिंक दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ भी आपका अंडर सेक्शन 115 बीबीजी का एंट्री करने के लिए ऑप्शन दिया है। आप अगर यहाँ एंट्री करते हो तो ये एंट्री जो है ऑटोमेटिकली आपका अदर स्पेशल इनकम में अपडेट होगा। सो इस तरीके से बिजनेस से भी अदर स्पेशल इनकम में ये एंट्री अपडेट होगी। इसके अलावा आपका जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 80C है, इसमें सेक्शन 80D जो है इसमें करंट असेसमेंट ईयर के लिए चेंजेस किए हैं। सो इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ अब आपको बाइफर्केशन पूछा हुआ है फॉर सेल्फ और फैमिली मेंबर। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो यहाँ आपको टिक करना है। यहाँ आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेड किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आपने कितना पेड किया है, मेडिकल एक्सपेंडिचर ओनली इन केस ऑफ अ सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन होगे तो ही यहाँ आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर कंसिडर होगा। फिर यहाँ टोटल अमाउंट पेड, एलिजिबल अमाउंट पेड जो है यहाँ अपडेट होगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पेरेंट्स के लिए भी डिटेल्स देना है। फिर यहाँ क्लोज किया, 25,000 अमाउंट जो है एक्सटर्नल कॉलम में अपडेट हो चुकी है। इसके अलावा
करंट असेस ईयर में जो चेंजेस किया है वो रिलेटिंग टू टीडीएस है। सो आप जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में जाते हो तो यहाँ आपको प्रोविजन दिया है, जैसे आप किसी स्पाउस को, यानी आपके स्पाउस को या किसी अदर पर्सन को आपका टीडीएस क्लेम करने के लिए अलाउ करते हो, या किसी अदर पर्सन का या आपके स्पाउस का टीडीएस अगर आप क्लेम करते हो, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया है टीडीएस अंडर सेक्शन 5A और रूल 37BA (2), इसके आगे एक चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, फिर ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल पे टिक करना है। तो यहाँ आपको फोर कॉलम्स आएंगे, फोर ऑप्शंस, जैसे पैन ऑफ स्पाउस और अदर पर्सन, टीडीएस क्लेम इन हैंड्स ऑफ स्पाउस या अदर पर्सन। सो यहाँ आप अगर आपके स्पाउस का या कोई अदर पर्सन का टीडीएस क्लेम कर रहे हो तो आपको ये अमाउंट डालना है, या आपको यहाँ अमाउंट ट्रांसफर टू और फ्रॉम स्पाउस अदर पर्सन जो है उसकी डिटेल्स डालना है, या आपका टीडीएस आपकी स्पाउस या अदर पर्सन क्लेम कर रहा है तो यहाँ उस टीडीएस की अमाउंट डालनी है। यहाँ एट ए टाइम दोनों भी अमाउंट नहीं आएगी, आइदर और रहेगी। सो इस तरीके से ये चेंजेस जो है ITR 2 के लिए एप्लीकेबल है। सो अब ये एंट्री सेव करके क्लोज करके सेव करके ये ITR 2 का वीडियो जो है कंप्लीट करते हैं, और नए वीडियो के साथ ITR 3 के चेंजेस के साथ हम आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।